हेलो ए वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और आप लोगों के कॉमेंट्स जो थे कि आपको मेरी वीडियोज बहुत अच्छी लगी बहुत कम्प्रहेंसिव थी और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो हैं समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं और आपने इतने सारे कॉमेंट्स किए आई वॉज सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दैम सेकेंडली मुझे शुरू में रिक्वेस्ट आई थी अपने स्टूडेंट्स से कि इसका बता दें इसका बता दें तो मैं चाह रही थी कि एक बार बहुत ज़्यादा हों तो फिर मैं उनको कंटिन्यू करूं। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तो इसलिए मैंने कहा आज मैं एड्रेस करूंगी। पहले मेरा था कि एक एक वीडियो बनाऊं, लेकिन अब ये था कि मैं एक साथ ही सबको एड्रेस करूँगी इस वीडियो के अंदर सैकड़ एक स्टूडेंट थी मेरी तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इस क्रिज़ोफ्रेनिया एंड एंग्जाइटी आर सेम तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्क्रीजोफेनिया एंड एंग्जाइटी आर टोटली डिफरेंट डिसऑर्डर्स वैसे uh, ये है कि दोनों मुख्तलिफ हैं स्क्रेजोफेनिया के नीचे उसकी सब टाइप्स आती हैं और एंगजाइटी के नीचे उसकी सब टाइप्स आती हैं जैसे कि अगर हम स्क्रेजोफेनिया स्पेक्ट्रम की बात करें स्केजोफेनिया की बात करें तो स्केजोफेनिया में आता है एक तो स्केजोफेनिया होता है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसके बाद टिपिकल डिसऑर्डर होता है जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है फिर उसके बाद डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रीफ साइकॉटिक डिसऑर्डर्स स्केजोफ्रीनाफाम डिसऑर्डर स्केजो अफेक्टिव डिसऑर्डर सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनाटिकल कंडीशन कैटेटोनियाड विद अनादर मेंटल डिसऑर्डर कैटेटोनिया स्पेसीफाइड कैटेटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन अन स्पेसीफाइड कैटेटोनिया अदर स्पेसिफाइड स्क्रिजोफेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकॉटिक डिसडर अन स्पेसीफाइड स्क्रीजोफेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकॉटिक डिसडर ये सारे जो हैं ये स्क्रेजोफेनिया के अंडर आते हैं इसके अंदर कुछ ये है कि बिल्कुल स्क्रेजोफेनिया में सब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स पे कुछ ऐसे स्पेसिफाइड होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ कैटिटोनिया का आ रहा है या किसी में डिल्यूजन आ रहा है या किसी में साइकोटिक कोई कंडीशन आ रही है इस तरह से ये सारे अलग अलग जाते हैं कुछ इमोशंस पे इन्वॉल्व होते हैं तो कोई आम, इसके टिपिकल विच इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर ये आता है तो इस तरह से ये सारे जो हैं मिलकर स्क्रेजोफेनिया में आते हैं बिकॉज दे आर द सब टाइप ऑफ स्क्रेजोफेनिया और इनको हम स्क्रेजोफेनिया के अंदर डालते हैं वेर ऐसा अगर हमें एंगजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो एंगजायटी डिसऑर्डर में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर सेलेक्टिव म्यूटिज्म स्पेसिफिक फोबिया की अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल है नेचुरल एनवायरनमेंट है ब्लड इंजेक्शन इंजरी है फ़ियर ऑफ ब्लड है फियर ऑफ़ इंजेक्शंस एंड ट्रांसफ्यूजन फियर ऑफ अदर मेडिकल केयर फ़ियर ऑफ इंजरी सिचुएशनल हो सकते हैं या कोई और किस्म के हो सकते हैं सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर जिसके अंदर सोशल फोबिया भी होता है या परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको स्पेसिफाई होता है यानी आपकी परफॉर्मेंस होगी तो यू विल फील एंड अबाउट इट Uh, इसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर्स हैं पैनिक अटैक स्पेसिफायर है एगोराफोबिया है जनरलाइज्ड एग्जाइटी डिसऑर्डर है एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू तो एन अदर मेडिकल कंडीशन अदर स्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर या अनस्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये सारे जो आते हैं ये एग्जाइटी डिसऑर्डर में आते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली इसके अंदर ये है कि एक्सट्रीम फियर होता है आपको और यू फील एनशियस इन दैट डिसऑर्डर इट कुड बी एनी थिंग आपको किसी चीज़ से भी डर लग सकता है एनी थिंग विच मेक यू फील एनशियस लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स वन एवर यू गो ऑन अ हाइट यू फील एनशियस एंड That is the thing which involves or uh, it gets into the anxiety disorder, so behind like agoraphobia or hydrophobia, so these are the things which are subtype of anxiety disorder, or they has nothing to do with the schizophrenia disorders because those schizophrenia disorders are completely different, and anxiety disorders are completely different, so they are not. द सेम तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एपिलिप्सी बता दें तो एक्चुअली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एपिलिप्सी इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर एपिलिप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ये हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या सीवियर एपिलिप्सी की वजह से आप में मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाए लाइक डिप्रेशन या इस तरह से लेकिन इट्स नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो डिसऑर्गेनाइज टाइप ऑफ स्क्रेजोफेनिया एक ही है जी डिसऑर्गेनाइज में थिंकिंग या स्पीच में इश्यूज आते हैं वो आपकी या थिंकिंग जो होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है या स्पीच जो आपकी होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है आपको समझ नहीं आ रहा होता आप बोल रहे क्या हैं या आप सोच रहे क्या हैं तो दैट इज इन्वॉल्व इन डिसऑर्गेनाइज स्क्रेजोफेनिया